हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज का इकोनॉमिक सेक्शन में हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, यानी हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बदलते आया है। अगर देखा जाए तो आज़ादी के समय, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटिश जस्ट कंट्री से बाहर गए थे, हमें एक इंडिपेंडेंस मिला था। उस समय से किस प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है, और 1991 में पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, तो हम लोग इसको देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि 1947 से 1991 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार था, और फिर देखेंगे 1991 जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उसके बाद में हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें किस प्रकार का चेंजिंग लाया गया, और फिर देखेंगे जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म उसका सेकेंड स्टेज जो कि 2000 में आया उसके बाद में क्या क्या चेंजिंग लाया गया, और फिर जो थर्ड स्टेज है इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो अभी चला रहा है तो हम लोग इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक इंडियन इकोनॉमी के एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, एक इंडियन इकोनॉमी को आज़ादी से लेकर अभी तक का किस प्रकार का हमारा इंडियन इकोनॉमी, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी एक पूरी तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखें अगर भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इंडिया जो है अभी सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखें तो छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, और अगर पीपीपी के आधार पर देखें यानी परचेजिंग पावर पेरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर देखें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का। इंडिया भी काफ़ी तेज़ी से इकोनॉमी इसका ग्रो कर रहा है, यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया। अभी हम लोग अगर देखें 1947 से 1991 के बीच में हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से रही, तो इस समय का जो पीरियड था इसको लाइसेंस राज कहा जाता था। मतलब लाइसेंस राज का मतलब हो गया कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता था, यानी कोई भी कंपनी कुछ भी हो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होता था। तो जस्ट हमारा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय जो हमारी आज़ादी के बाद जस्ट जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल यानी कहा जाए तो ब्रिटिशर्स के रूप में प्रभावित था, यानी ब्रिटिशर्स जो हमारा पॉलिसी था इकोनॉमिक पॉलिसी उससे प्रभावित था। तो उस समय जस्ट उस समय की जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रोच लिया गया, सबसे पहला अपनाया गया प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने की कोशिश किया कि बाहर से ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हो, यानी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपनाया। उसके बाद इंडिया जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट बहुत सारे प्रोडक्ट को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं विदेशों से मंगाते हैं उसको जो है कम किया जाए, उसको कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री बनाया जाए, यानी इंडिया में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया जाए जिस वजह से जो इम्पोर्ट है उसको कम किया सकता है, मतलब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया। उसके बाद है कि इकोनॉमिक इंटरवेंशन काफ़ी बढ़ गया, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में अब कुछ भी अगर कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी या कुछ भी पॉलिसी आता है उसमें सरकार का काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन उसमें रहता है, मतलब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में सरकार का बहुत रोल हो गया था। उसके अलावा सरकार पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा जोर दी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है डायरेक्ट वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया और बिजनेस के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए। उसके अलावा फिर सेंट्रल प्लानिंग लाया गया जो भारत सरकार के द्वारा, तो इतने सारे प्रोसेस अपनाए गए भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू उसमें के भारतीय प्रधानमंत्री थे, और महालबनिस उस समय के स्टेटिस्टियन यानी सांख्यिकी के बहुत बड़े जानकार थे, उन्होंने ये दोनों मिलकर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए और पॉलिसी को इस तरह से कुछ बनाए कि माना जा रहा था कि इसका जो आउटकम आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा काफ़ी फेवरेबल आएगा। तो इसमें जो फोकस जो किया गया वो है कि पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं इस तरह से किया गया कि हम लोग ऐसे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करें, ऐसे इंडस्ट्री को स्थापना करें जिसमें कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्री, मतलब हम लोग हैवी इंडस्ट्री को स्थापना करें, जो कि इस हैवी इंडस्ट्री को स्थापना के लिए हमें चाहिए हाई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी चाहिए यानी हाई कैपिटल चाहिए। तो इस तरह का इंडस्ट्री स्थापना करने की बात की गई। उसके अलावा देखा जाए तो जो हमारे लो स्किल कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात की गई, लेकिन बहुत हद तक इसको जो है ना, अगर उस समय के जो अर्थशास्त्री थे फ्रीडमैन के द्वारा इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया। फ्रीडमैन के द्वारा कहा गया कि जो इंडिया को है, इंडिया जिस समय आज़ाद हुआ था इसका जो पहला जो फोकस करना चाहिए था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर करना चाहिए था। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर करता तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर करने की वजह से टोटल एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता, मतलब एक डेवलपमेंट भी होता और ग्रोथ भी होता है, दोनों एक मैनेज ढंग से होता है। अभी जो है उस समय इंडिया जो है टोटल ग्रोथ पर ही सिर्फ ध्यान दे रही थी, एक डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा था, तो इस कारण से फ्रीडमैन ने इसको क्रिटिसाइज किया था। उस समय का जो अर्थव्यवस्था था, उस अर्थव्यवस्था जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चल रहा था उसको उसका नाम दिया गया था बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस ग्रोथ रेट का नाम दिया गया था हिंदू ग्रोथ रेट।
हिंदू ग्रोथ रेट इसलिए बोला गया था क्योंकि उस समय का जो ग्रोथ रेट थे अनफेवरेबल था, मतलब एक ग्रोथ रेट एक सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, संतोषजनक नहीं था, ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो उस वजह से इसको इसका नाम रखा गया था हिंदू ग्रोथ रेट, जिसमें कि लो एनुअल ग्रोथ रेट था प्लान्ड इकोनॉमी के तहत का देखा जाए तो, यानी इसका माना जाए तो 3.5% के आसपास रहा था 1950 से लेकर 1980 के बीच में, लगभग अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट था 3.5% के आसपास में रहा था। और चूंकि 1965 में हमारा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा इंडस्ट्री जो है स्ट्रांग होने लगा, क्योंकि अधिकांशतः इंडस्ट्री जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, यानी एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं उस पर असर करता था, एग्रीकल्चर लिंकेज था। और जब एग्रीकल्चर जब रिवॉल्यूशन आया, रिवॉल्यूशन पूरी ऑल ओवर इंडिया में तो आया नहीं, तो कुछ वैसे सेक्शन में आया, तो उस वजह से एक फार्मिंग का जो किसान का यानी एग्रीकल्चर का एक कैपिटलिस्टिक कंसेप्ट आ गया, मतलब जिसके पास ज़्यादा पूंजी है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, यानी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह डेवलप हो गया। और इस वजह से जो हमारा अर्थव्यवस्था था उसमें काफ़ी ज़्यादा असमानता यानी यहाँ के लोगों में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी, और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था उसको इग्नोर किया गया। और उसके अलावा देखा तो इमरजेंसी भी एक कंसेप्ट आया था, इमरजेंसी जो लगाया गया था उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी नुकसान हुआ था, गरीबी हटाओ कंसेप्ट लाया गया था, तो इसके वजह से यानी इमरजेंसी और गरीबी हटाओ की वजह से इनकम टैक्स लेवल जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इनकम टैक्स का लगभग 97% तक बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगर हम लोग पोस्ट लिबरलाइजेशन की बात करें, यानी बात कर रहे हैं 1991 की बात की, यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था में पहला रिफॉर्म आया था उसके बाद की बात करें, तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा था, उसके अलावा डिफॉल्टिंग लोन्स था, डिफॉल्टिंग लोन्स मतलब हम लोग लोन भी रीपे करने में लोन भी लौटाने की हालत में नहीं थे, तो इस वजह से डिफॉल्ट होने की कगार पे इंडिया पहुंच गया था इंडिया की अर्थव्यवस्था। उसका मेन वजह था कि उस समय हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था रसिया, और रसिया का बुरा हालत हो गया था क्योंकि रसिया जो है 15 भाग में उसमें डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था, तो हमारे बहुत बड़ा ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके अलावा देखिए तो गल्फ वार छिड़ा हुआ था, खाड़ी युद्ध छिड़ा हुआ था, ईरान और कुवैत आपस में भिड़े हुए थे, और इस वजह से ऑयल का प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और इसके अलावा देखें तो इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे आते थे तो इन्वेस्टर यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे, यानी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आ पा रहा था उस समय। उसके अलावा एक और देखें तो भारत का जो सरकार था यानी जो इंडियन गवर्नमेंट वो भी अनस्टेबल थी, यानी स्टेबिलिटी नहीं थी, यानी भारतीय सरकार में भी स्थिरता नहीं थी, तो इंडिया अपना बेल आउट के लिए अपने जो भी कर्ज में डूबा हुआ था उसको बेल आउट के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेने की बात किया, यानी बेल आउट पैकेज यानी बेल आउट लोन लेने की बात किया IMF से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस समय तुरंत उसको चाहिए था इमरजेंसी लोन, तो उस समय IMF से डिमांड किया, उसके बदले में कोलेट्रल के रूप में 67 टन सोना जो है वो दिया, यानी उसके कोलेट्रल यानी कहा जाए तो गिरवी के रूप में 67 टन सोना कोलेट्रल के रूप में जमा किया सिक्योरिटी ऑन लोन्स पे। और ये जो 67 टन है उसमें से उसको जो है RBI 47 टन गोल्ड जो लिया था वो लिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से, और 20 टन जो गोल्ड लिया गया था यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से, और इस वजह से अपना फंड को रेज किया। अब चूंकि बेल आउट होने के बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट है उस समय भारत सरकार ने तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स जो लिया वो लिया कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ये दोनों ने मिलकर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की बात की है, और रिफॉर्म जो है इस तरह से किया गया कि लाइसेंस राज को हटाया जाए, यानी लाइसेंस राज है उसको दूर किया जाए, तो उसके लिए रिफॉर्म लाया गया LPG यानी तीन कंसेप्ट को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कि काफ़ी लिबरल पॉलिसी अपनाया जाए, काफ़ी नॉर्मल पॉलिसी अपनाया जाए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेट को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहे, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी जो कि पहले प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपनाते थे अब हम लोग ओपन इकोनॉमी अपनाए, मतलब हम लोग वर्ल्ड से जुड़े। तो उसके लिए क्या था कि लिबरलाइज करे, पहले तो है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी उसको लिबरलाइज करे, यानी लिबरल लॉ बनाए, जो कानून है उसको एक आसान सा बनाए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा बुलाएं। उसके अलावा देखें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका अप्रूवल जो है उसको ऑटोमेटिक किया जाए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए जो पॉलिसी था उसको लिबरल बनाया जाए, उसको आसान किया जाए, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी अगर लिबरल होगा तो ग्लोबलाइजेशन होगा, यानी ट्रेड जो है एक देश का दूसरे देश के साथ ट्रेड काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। उसके अलावा जो लोन है IMF एंड वर्ल्ड बैंक से काफ़ी लोन लिया गया ताकि इकोनॉमी के सही रास्ते पर लाया जाए। उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम है उसको सुधार किया गया, टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सुधार किया गया, प्राइवेटाइज किया गया बहुत सारी एरियाज को, और जो मार्केट इकोनॉमी था
उसके उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस था गवर्नमेंट उसमें जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा था, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है उसको हटा दिया, यानी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहा। जो मोनोपोली था पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर पे जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही थी, अब पब्लिक सेक्टर का जो मोनोपोली था वो ख़त्म हो रहा था, क्योंकि उसमें अब प्राइवेट सेक्टर का भी आ रहा था और डिसइन्वेस्टमेंट हो रही थी। और प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इनकरेज किया जाए, तो बढ़ावा दिया जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट करे, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करे। तो इस तरह से पॉलिसी अपनाया गया। अगर हम लोग देखें सेकंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी हम लोग भारतीय अगर अर्थव्यवस्था का सुधार की बात करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म उसका दूसरी पीढ़ी की बात की जाए, तो ये 2000 ईस्वी में आया था। और इसमें जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया था वो ये था कि गवर्नमेंट मैकेनिज्म यानी सरकारी तंत्र है उसको बेहतर बनाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन सही किया जाए, यानी जो भी हमारा सरकार का जो इंटरफेरेंस है उससे रिलेटेड जो भी लॉ है उसको सुधार किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन उसको सुधार किया जाए, वित्तीय समावेशन है उसको सुधार किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके अलावा लेबर लॉ में सुधार किया जाए, और जो बेटर एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेटलमेंट के लिए यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जाए, जो वर्किंग पीपल है उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जाए, उसके अलावा जो इंटरफेरेंस होता था जो ब्यूरोक्रेसी का, जो इंडस्ट्रियल सेटलमेंट इकोनॉमिक में जो ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस होता था उसको कम किया जाए, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रशासन है उसको एक जिम्मेदार बनाया जाए, यानी जिम्मेवार प्रशासन बनाया जाए। तो उसके लिए जो टारगेट किया गया था, टारगेट जो लक्ष्य में था कि फिस्कल डिफिसिट यानी जो राजकोषीय जो नीति था, राजकोषीय नीति में फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जो था उसको 3% करना था सेंट्रल लेवल पे, और राज्य लेवल पे करना था 2%। हालांकि अभी जो सरकार का प्रयास है कि राजकोषीय जो घाटा है उसको 2.5% पर लाया जाए और उसके बाद में इसको 0 पर भी लाने की कोशिश किया जाए। उसके अलावा रूरल एरिया का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट की बात की गई। पब्लिक सेक्टर में जो घाटे में चल रहा था उसको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए यानी विनिवेश किया जाए, सब्सिडी है उसको कम किया जाए, टैक्सेशन सिस्टम है उसको ज़्यादा अच्छा किया जाए, और जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी किया जाए, जो स्मॉल सेविंग या पोस्ट ऑफिस जो फिक्स डिपॉजिट था या प्रोविडेंट फंड उसकी जो इंटरेस्ट रेट था उसमें कम किया जाए, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकार का जो बहुत ज़्यादा खर्च था जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता था, या जो बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता था जो कि इससे फ़ायदा नहीं होता था लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो खर्च होता था उस पर, तो उसको कम किया गया। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया, जैसे कि VSNL का कुछ शेयर बेचा गया, एयर इंडिया का, मारुति इंडस्ट्री के, ये सारे को कुछ पब्लिक सेक्टर जो था उसको डिसइन्वेस्ट किया गया, उसको शेयर को बेचा गया। उसके अलावा लेबर लॉ में सुधार किया गया, एक ऐसा लेबर लॉ बनाया गया जो कि सोशल सिक्योरिटी की बात करती है, जो वर्किंग ग्रुप है उसके और ज़्यादा सुरक्षा की बात करती है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता उसको कंपनसेशन की भी क्षतिपूर्ति की भी बात की गई है, और भी उससे रिलेटेड बहुत सारे लॉ में सुधार किया गया। जो ब्रॉडर लेवल पर यानी बड़े लेवल पर अगर हम रिफॉर्म की बात करें तो उसमें था फेरा जो इसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, उसको हटा दिया गया, बाद में उसको कर दिया गया फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 1999 में किया गया। जो हमारे रुपया का जो कन्वर्टिबिलिटी था, जो रुपी कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, उसको भी उसमें चेंज किया गया, और तारापुर का जो कमेटी था उसका जो सिफारिश था कि रुपये को कन्वर्टेबल बनाया जाए, परिवर्तनशील बनाया जाए, तो वो लागू किया। उसके अलावा वॉलंटरी रिटायरमेंट का बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए कुछ स्कीम लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, BIFR यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन उसको इनकरेज किया गया, और नेशनल रिन्यूएबल फंड बनाए गए। नरसिम्हम कमेटी का जो सेकंड का जो सजेशन था जो कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स और कैपिटल एडिक्वेसी CAR के लिए जो था, तो उसमें उसको लागू किया गया। उसके अलावा टैक्सेशन सिस्टम में VAT लाया गया, केलकर का जो सजेशन था उसको माना गया, डायरेक्ट टैक्स के लिए जो केलकर प्लानिंग था उसको माना गया। उसके अलावा जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स था उसके प्रोविजन में सुधार किया गया, और जो उसके अलावा फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यानी टैक्स अवॉइडेंस जो टैक्स को हम लोग बचाते थे तो उसको कम किया गया। उसके अलावा सर्विस टैक्स है उस पर भी इस पर काफ़ी ज़्यादा विचार किया गया। तो ये सारे ब्रॉडर लेवल पर देखा जाए तो रिफॉर्म किया गया। अगर हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में देखें तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हमारा ग्रोथ रेट तो तेज़ी से बढ़ा, लेकिन सिर्फ ग्रोथ रेट बढ़ा लेकिन हमारा जो GDP पर कैपिटा है वो अभी भी बहुत पीछे है। इंडिया का रैंक अगर माना जाए तो जो GDP पर कैपिटा है उसमें बहुत पीछे है, और ये इंडिया का सबसे पहला चैलेंज है कि GDP पर कैपिटा है उसको बढ़ाया जाए। सेकंड चैलेंज है वो है कि एक वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए इंडिया में, और वो सिर्फ रोड, रेलवे और पोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और स्किल इंडिया को डेवलप किया जाए, मतलब यहाँ के लोगों को स्किल दिया जाए, यानी मैन पावर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। जो थर्ड एरिया है जो फोकस करने का चीज़ है वो है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जहाँ पे एक इनकरेज मिले, एक बढ़ावा मिले कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो,
और उसके लिए सरकार प्रयास करे कि इंटरप्रेनरशिप यूथ में डेवलपमेंट हो। उसके अगर इसको अगर ब्रॉडर रिफॉर्म में देखें, अगर बड़े लेवल पर देखें तो GST लाया गया, बैंकरप्सी कोड लाया गया, यानी बैंक का जो दिवालिया बनाता था उसके लिए कानून लाया गया, बैंकरप्सी कोड लाया गया, और बहुत सारे कैपिटल जो स्टार्टअप के लिए जो कैपिटल है उसको पहुंच आसान कर दिया गया, यानी स्टार्टअप के लिए जो कैपिटल का इंतजाम है उसको किया गया, और इंटरप्रेनरशिप के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती थी उसके लिए मुद्रा बैंक या फिर और भी कई साधन इसके लिए इस्तेमाल किए गए कि हमें इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। तो इस तरह से कहा जाए तो ओवरऑल हमारा इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग देख लिए, शुरू से अंत तक देख लिए, यानी 1947 से लेकर अभी के समय का जो हालात है उसको हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री देख लें, एक शॉर्टकट में हम लोग हिस्ट्री देख लिए। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय।